ठाकुरगंज में एक अजीब और गरीब मामला सामने आया है। दरअसल यहां 100 मजदूरों को मजदूरी और खाने का लालच देकर अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। उनका इलाज किया जाने लगा, लेकिन मजदूरों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद तत्काल प्रभाव से मौके पर मेडिकल टीम पहुंची, साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और सीएमओ की टीम ने सभी मजदूरों को रेस्क्यू कराकर एमसी सक्सेना मेडिकल कॉलेज के खिलाफ मुकदमा कर लिया है, साथ ही मेडिकल कॉलेज के हेड को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित मजदूरों के मुताबिक हमारे पास एक व्यक्ति आया था, उसने हमें खाने और दिहाड़ी का लालच दिया। इसके बाद हम लोग अस्पताल पहुंचे, जहां खाने को दलिया दिया और बेड पर लेटने को कहा गया। साथ ही बताया गया कि डॉक्टर देखने आएंगे। देर बाद इंजेक्शन लगा दिया और वीगो लगा दी। पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि मेडिकल कॉलेज की एफिलेशन लेकर फर्जी मरीजों को तैयार किया गया था। डीसीपी पश्चिम सोमेन वर्मा के मुताबिक एक मजदूर ने शिकायत की कि एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज में कुछ मजदूरों को अलग अलग जगह से ले जाया गया है। इन्हें 400 से 500 रुपए तक दिहाड़ी के रूप में दिए जाने का लालच दिया गया, साथ ही खाना दिया जाएगा। डीसीपी पश्चिम सोमेन वर्मा ने बताया कि ये लोग अवैध रूप से इलाज कर रहे थे। जिन लोगों का इलाज किया जा रहा था वह पूरी तरह से स्वस्थ थे। पुलिस ने एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज के डॉक्टर शेखर सक्सेना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है। क्या नाम है आपका? जी नरेंद्र गुप्ता। क्या हुई थी घटना? जी वहाँ अड्डे से मड़ियाँ थाने के आगे इंजीनियरिंग कॉलेज से हम लोगों को बुलाया गया था कि आप लोगों को 400-500 रुपए पे लेकर आए थे यहाँ पे कि शाम तक रुकना है यहाँ पे, लेटना है और शाम को खाना मिलेगा। तीन टाइम आपको लेटना बैठना है वहीं पे, 5 बजे छोड़ देंगे, पैसा देंगे, 5 बजे छोड़ दिया जाएगा। किस चीज के काम के लिए बुलाया गया था? जी वहाँ लेटने के लिए बुलाया गया था। बेड पे लेटना है बस। किस हॉस्पिटल में था? EMC मेडिकल कॉलेज। EMC मेडिकल। क्या कह के लाए थे आपको लेटने? जी लेटने के लिए। अच्छा, तो हुई घटना के आपके साथ कितने लोग थे और क्या? जी लगभग 250 लोग थे वहाँ पे। आज थाना ठाकुरगंज में अंशु कुमार नामक एक व्यक्ति जो पेशे से मजदूर है आके शिकायत किया कि एमसी सक्सेना ग्रुप ऑफ कॉलेज में काफी सारे लेबरों को अलग अलग जगह से लेके जाया गया है। इनको बताया गया था उनको 400-500 रुपए दिया जाएगा दिहाड़ी के हिसाब से और 3 टाइम खाने की उनकी व्यवस्था कर दी जाएगी। जो अंशु कुमार थाने पाया उन्होंने कंप्लेन किया। उसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल पहुंचे, उस हॉस्पिटल में अचानक से इनका इलाज करवाना शुरू कर दिया। उनको वहां पर बंधक बनाए रखा गया, उनको वहां से छोड़ा नहीं जा रहा था और इसके बाद उनके शरीर में अलग दवाई और वीगो का भी प्रयोग किया। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल प्रभाव से वहां पर सीनियर ऑफिसर और आसपास के 2-3 थाने के फोर्स भेज दिए गए।